की प्यार की अम और शांति की क्षमा है जो शायरों का एक अहम रोल रहा है, उनके अशार उनके अंधेरे से रोशनी पैदा करते हैं। तो एक बड़े बड़े शायर हिंदुस्तान के आए हैं। सर आप लोग छत के नीचे पत्रकार खुले में क्यों? ये तो आयोजन कमेटी कौन लोग आयोजन किए हैं, अपनी जगह हम लोग देते हैं। आइए, किसी को तकलीफ हो, इंतजाम में कमी हुआ होगा तो दोबारा ऐसा नहीं होगा, हम लोग इसके लिए ख्याल रखेंगे। ठीक है, कहाँ लाखों रुपया खर्च हुआ है, क्यों नहीं है पत्रकारों के नीचे एक स्टेज तक नहीं बनाया गया है, पत्रकारों के लिए बैठने का जगह नहीं बनाया गया, खुले में बैठाया गया है। ये जो काउंटर है वही बताएंगे जो ऑर्गेनाइज कर रहा है। और आज भी पत्रकार जब आम जनता के लिए लड़ता है तो उसे खुले छत के नीचे और जेल में ही डाला जाता है। और जब तक पत्रकार एक नहीं होंगे और जब तक ऐसे लोगों का बहिष्कार नहीं करेंगे जो पत्रकार को सर सर करके बुला लेते हैं, लेकिन जब यहाँ पर उन्हें बुलाया जाता है तो उन्हें तिरस्कार किया जाता है, उनका जब तक परमानेंटली विरोध नहीं होगा तब तक हम लोगों को वो सम्मान वो इज्जत नहीं मिलता। माननीय मंत्री महोदय, जब शंकर सुभान अल्लाह कह सकता है तो सुभान अल्लाह कहने से कि ये तो है कि शर्म में अकीदतों के फूल पेश करके इस मुशायरे की कामयाबी की जमानत हमारे लिए हासिल करें। का जो आयोजन है शंकर इससे एक अच्छा मैसेज जाता है, एक अच्छी गैदरिंग होती है और उर्दू का और हिंदी का जो एक रिश्ता है, इसलिए यहाँ दोनों प्रोग्राम रखा गया है, मुशायरा एवं कवि सम्मेलन। तो इसके बारे में भी उर्दू और हिंदी की जो एक रिश्ता है, जो एक बहने हैं, उसके बारे में भी एक अच्छा हम लोग इसी जरिए ये भी बताते हैं कि भाई एक मिलजुल करके एक सभ्यता एक संस्कृति है और एक बहुत अच्छा आयोजन सब लोग मिल करके कर रहे हैं और एक अच्छा मैसेज। शायर लोगों ने तो बहुत बड़ा बड़ा काम किया है, जंग आज़ादी से लेकर के हर दौर में शायरों का एक अहम रोल रहा है, उनके अशार उनके अंधेरे से रोशनी पैदा करते हैं। तो एक बड़े बड़े शायर हिंदुस्तान के आए हैं। सर आप लोग छत के नीचे पत्रकार खुले में क्यों? ये तो आयोजन कमेटी कौन लोग आयोजन किए हैं, अपनी जगह हम लोग देते हैं। आइए, किसी को तकलीफ हो, इंतजाम में कमी हुआ होगा तो दोबारा ऐसा नहीं होगा, हम लोग इसके लिए ख्याल रखेंगे। ठीक है, आज ताजपुर के धरती पर जो जननायक कर्पूरी ठाकुर की भूमि है, इस भूमि पर आज जो मुशायरा का आयोजन किया गया है, इसके लिए जो राज्यसभा के माननीय सांसद इमरान प्रताप गड्डी साहब है और जो हम लोग के बीच जो आयोजक है फैजी रहमान साहब, उनको हम खासकर बहुत बहुत शुभकामना बधाई देते हैं और हजारों की संख्या में जो दर्शक आए हुए हैं उन सबको सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामना। और उसके अलावा भी वक्तन फवक्तन और उन्होंने इस मुशायरे को सजाने में जो मेहनतें की हैं और उसके अलावा जो हमारे पहले इस मुशायरे के मेन या फिर स्पॉन्सर हैं, जब कभी आली जनाब यासिर इमाम साहब MD शीतल ग्रीन सिटी, वो भी डाइस पर मौजूद हैं। और उसके अलावा सद्भाव आसमान शेर अदब का पैगाम, साहित्य और कविता के आकाश के चांद और सितारे किसी भी राज्य के लिए आपके ताजपुर के ग्राउंड में सजे इस डाइस पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं और एक के बाद एक हम उन्हें आवाज देंगे और आप उन्हें सुनेंगे। मैं समझ रहा हूँ जो हलचल आपके बीच में है, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप तो वो हैं जो पांच पांच बरस पत्रकारों का कितना सम्मान किया जा रहा है ताजपुर में, ये बुला के सबसे बड़ी बेइज्जती लग रही है कि पत्रकारों के साथ जो अपमान यहाँ दिख रहा है वो शायद कहीं नहीं हुआ है। एक मिनट, टेंट का बोर्ड लगा हुआ है, इधर उधर जो घूम रहे हैं उनको कहिए वहां से साइड करवाइए, गैलरी के तरफ है उन सब जो घूम रहा है इधर उधर उन सबको हटवाइए। ये सारे पत्रकार लोग हैं और सबको कॉल करके बुलाया गया था, सभी को कॉल किया गया है और सब कॉल पर आए हैं, लेकिन क्या व्यवस्था है, पानी तक नहीं किसी को दिया गया, आप समझ सकते हैं। और देखिए ऊपर खुले आसमान में जो है, खुले आसमान के नीचे बैठा दिया गया है और ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार ऐसा किया जा रहा है, मतलब बहुत बुरा लग रहा है आज। ऐसा हमने कई कार्यक्रम में गए, ऐसा कहीं नहीं लगा है, बहुत बुरा लग रहा है आज। क्या कहना चाहते हैं?
प्रोग्राम फेल है क्या? प्रोग्राम फेल नहीं है, पूरी तरह से फ्लॉप है। सुन लीजिए, अभी हमारी गंगा जमुनी तहजीब है जिसे लेकर के भारत हमेशा आगे चला। अभी जो कभी सम्मेलन है तो अगर इसके हमें बारे चाहिए तो हमें जा रहे हैं आरास्ता करते रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी शायर या कोई भी कवि बिल्कुल कोई नहीं समझ रहा है। पत्रकार तो होश में बैठा हुआ है, बहुत कीमती बात, और खुद से कुर्सी लाके बैठा है। कभी रात के अंधेरे में यही तो पत्रकार है, अपने कलम की नोक से कविताएं और शायरी, ये तो व्यवस्थापक बताएंगे भैया, तो उस हम लोग तो कुछ नहीं बता पाएंगे। तो हमारे दिल ऑर्गेनाइज किया है, वही बताएंगे कहाँ लाखों रुपया खर्च हुआ है, क्यों नहीं है पत्रकारों के नीचे एक स्टेज तक नहीं बनाया गया है, पत्रकारों के लिए बैठने का जगह नहीं बनाया गया, खुले में बैठा गया है। ये जो काउंटर है वही बताएंगे, जो ऑर्गेनाइज कर रहा है वही बताएंगे। इंसानियत के अटूट रिश्ते में हीरो बनाता है, हीरो को हीरो बनाता है। और जैसे जैसे हम शायरी और कविता के दर्शन करते जाते हैं, हमारे दिल में मौजूद ये एहसास और ज्यादा ये तो जाता है, और हम बेहतर से बेहतर इंसान फिल्म बनाया गया है। और क्या बताएं, मैं इस वक्त जिस तरह की एमडी शीतल ग्रीन सिटी, आपके जाने पहचाने सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कारकुन, इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें बड़े बड़े हस्ती आ जाए हैं और लोगों की जिस तरह की भीड़ है उस तरह का कहीं ना कहीं यहाँ जो वॉलंटियर्स हैं उस तरह एक्टिव नहीं दिख रहे। पत्रकार खुले छत के नीचे क्यों हैं? जी पत्रकार खुले छत के नीचे मुशायरा शुरू करने के लिए एक बार, हमेशा ऐसा होता है कि जो किसी जीरो को हीरो बनाता है उसके साथ शुरू से ही उपेक्षा आती रही है, होती रही है। चाहे वो आजादी दिलाने में पत्रकारों का हाथ रहा हो, तब भी उन्हें जेल में भेजा गया, उनकी उपेक्षा की गई, और आज भी पत्रकार जब आम जनता के लिए लड़ता है तो उसे खुले छत के नीचे और जेल में ही डाला जाता है। और जब तक पत्रकार एक नहीं होंगे और जब तक ऐसे लोगों का बहिष्कार नहीं करेंगे जो पत्रकार को सर सर करके बुला लेते हैं, लेकिन जब यहाँ पर उन्हें बुलाया जाता है तो उन्हें तिरस्कार किया जाता है, उनका जब तक परमानेंटली विरोध नहीं होगा तब तक हम लोगों को वो सम्मान, वो इज्जत नहीं मिलता। गोविंद अटल सत्य न्यूज। मीत तुम गांव में सूर्य उतर गया तिमिर चढ़ी पाखे, विमान से दर्शन तक दर्शन की पढ़ाई साहब को तालियों से इनका स्वागत करें। और मारू किसका नाम पुकारूं, मैं किसका नाम न लूं, यहाँ पे जो भी है गरीबी से निकल कर जो एक बार भगवान को पूरा पंडाल हाथ उठा के इजाजत ताकि जगह न मिले, और मोहब्बत और प्यार के इन चराहों को रोशन करने का एक बहुत प्यारा तरीका है कि आज ताजपुर के एलकेबीडी कॉलेज के इस ऐतिहासिक मैदान में ऑल इन वो 10 बजे से स्टार्ट हेलो 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 चेक हेलो बस कुछ खूबसूरत से खूबसूरत कलाम, बेहतर से बेहतर अंदाज। तो मैं प्यार और मोहब्बत के हम किसका नाम पुकारूं, मैं किसका नाम न लूं, यहाँ पे जो भी है वो 10 बजे से स्टार्ट। हेलो 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 चेक हेलो बस कुछ Thank you.
भाई के पास में